देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में योगी सरकार ने अब लगभग दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं और सरकार इन दो हफ्तों में लगातार एक्शन में दिख रही है। अब योगी सरकार ने सारे कामकाज का एक खाका तैयार कर लिया है। सरकार के मुताबिक सभी सरकारी अफसर 20 अप्रैल तक अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें खास बात ये है कि ये तैयारी बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक ही होगी और सोमवार को पहली प्रेजेंटेशन देने के लिए शिक्षा विभाग को बोला गया है। मतलब सोमवार को सीएम योगी के सामने उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और कृषि शिक्षा जैसे विभागों के अधिकारी होंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भर्ती में हो रही गड़बड़ियों को लेकर यूपीपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अनिरुद्ध यादव को तलब किया गया है, जिनकी शिकायत एमएलसी दिनेश सिंह ने की थी। दिनेश सिंह के मुताबिक अनिरुद्ध एक विशेष जाति को ज्यादा तरजीह दे रहे थे, जिनकी वजह से उन पर आरोप लग रहे थे। कहते हैं, शिक्षा ही किसी भी देश की तरक्की की पहली मंजिल होती है। अगर देश को आगे लेकर जाना है तो शिक्षा को मजबूत बनाना होगा, जिस पर अब योगी भी सख्त होते दिख रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।